हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी वेबसाइट के लिए एक मेन्यू बार बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक वेबसाइट है जिस पर ये आपको मेन्यू बार नज़र आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पर ऐसा मेन्यू बार बनाएं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऐसा मेन्यू बार कैसे अपनी वेबसाइट पर डेवलप करते हैं। उसके लिए जैसे कि हमने पहले एक रैप स्टार्ट किया था, उसमें हम नेविगेटर में यहाँ पर कोडिंग पेस्ट करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कोडिंग काम कैसे करती है। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने आपको अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की थी हमने उसको। जैसे कि यूएल टैग हम ओपन करेंगे और उसके बाद यूएल टैग को हम क्लोज करेंगे। उसके दरमियान पर हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, जिसके बाद हम एक एंकर टैब ओपन करेंगे। एंकर टैब मीन हम अपने मेन्यू पर पहला नेम किस नेम से बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वेबसाइट पर होम है, तो हमने पहला जो लिस्ट क्रिएट की है वो है होम से। सेकंड हमने क्रिएट किया है फॉर्म। थर्ड क्रिएट किया है हमने गैलरी। जैसे कि अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, इसको हम यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास तीन मेन्यू क्रिएट हो चुके हैं। ये हमारे पास डाउन मेन्यू, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये तीन हैं हमने बनाए सिंपल, हमारी जो लिस्ट पर मेन्यू बार क्रिएट किया है हमने सिंपल, गैलरी, फॉर्म और होम। अब ये डाउन बार हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें कोडिंग में यूज़ करना पड़ेगा। हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास का नेम हम रखेंगे ड्रॉप डाउन। उसके बाद एक एंकर टैब क्रिएट करेंगे जिस पे हम उसकी लिंक देंगे कि साइट पर ये ओपन हो। उसके बाद एंकर टाइप की क्लास का नेम रखेंगे हम ड्रॉप बटन। उस ड्रॉप बटन का नेम क्या होगा हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर है नेम, ऐसे ये है। हम यहाँ पर एक, जैसे कि हमने ये क्रिएट किया था वैसे ही हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे, लेकिन वो हम बनाएंगे ड्रॉप बटन के। इसको हम यहाँ पर ऐसे ही डिव क्रिएट करेंगे। डिव क्रिएट करने के बाद उसकी डिव का क्लास का नेम हम लिखेंगे ड्रॉप कंटेंट। ड्रॉप कंटेंट के नाम वैसे ही हम एक लिंक क्रिएट करेंगे एंकर टैब पर। तो एंकर में हम जो जो उसकी ड्रॉप बटन पर जो कंटेंट हम वहाँ पर लिखना चाहते हैं वो हम लिख देंगे। जैसे मैंने कहीं फर्स्ट लिखा होगा यहाँ पर वेब डेवलपमेंट, सेकंड लिखा है मैंने वेब डिज़ाइन, थर्ड लिखा है मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सॉफ्टवेयर। हमने एक मेन्यू क्रिएट किया, मेन्यू क्रिएट करने के बाद जो हमारा ड्रॉप डाउन कॉन्टेंट होगा वो हमारा ये है। हम इस कॉन्टेंट को बढ़ा भी सकते हैं, हम इसी टैग को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें। इसका नेम हम सिंपल सॉफ्टवेयर रख लेते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देख रहे हैं हमारे पास यहाँ तीन है। इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं हमारे पास चौथा टैब भी कंटेंट का क्रिएट हो चुका है। वैसे ही हम आगे ड्रॉप डाउन पर मोर का बटन क्रिएट करना चाहते हैं। वैसे ही हम, जैसे हमने ये लिस्ट क्रिएट की थी वैसे हम ये क्रिएट करेंगे। एक लिस्ट का नेम रखेंगे ड्रॉप डाउन बटन, जैसे कि हमने ये नेम रखा होगा। सेकंड हम रखेंगे उसकी यानी कि लिंक, लिंक के बाद उसका बटन नेम, नेम के बाद हम जो बटन होगा हमारा ड्रॉप डाउन का उसका नेम क्या होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर लिखा था, हम यहाँ पर मोड लिखेंगे। इसको वैसे ही यहाँ से आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करें और अपनी मर्जी यहाँ नेम चेंज करें। जैसे कि हमने फर्स्ट नेम रखा था वेब डेवलपमेंट, यहाँ पर मैंने लिखा भी है HTML, CSS, PHP, JavaScript, C# एंड C++। यहाँ तक तो सिंपल हमारे पास क्रिएट हुआ है ड्रॉप डाउन। अगर ये जो मेन कंटेंट है, हमने यहाँ पर जो मेन कंटेंट है वो हमारे पास है CSS पर स्टाइल शीट। स्टाइल शीट पर मैंने इसके बैक एंड पर जो कोडिंग की है, अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, आपको बगैर CSS के रन करके दिखाता हूँ ये कैसा शो होता है हमारे पास। ये देखिए हमारे पास ये लिस्ट क्रिएट हो रही है लाइन वाइज। हम चाहते हैं इसको, इसकी फॉर्मेट करना, तो हम
यहाँ पर इसको फॉर्मेट करेंगे UL। UL से हम इसको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद मैं दिखाता हूँ UL पर हमने क्या क्या लिस्ट को क्रिएट किया। UL पे हमारे पास यहाँ से लेकर एंड तक जितनी भी हमारे पास कोडिंग है, यहाँ तक उस तमाम कोडिंग में हम फॉर्मेट करेंगे। उसका फॉर्मेट हम कुछ इस तरह करेंगे, स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप जो होगी वो हमारे पास होगी नॉन, जो उसका मार्जिन होगा वो होगा हमारे पास जीरो, पैडिंग होगी उसके जीरो, ओवरफ्लो होगा हिडन, बैकग्राउंड कलर अगर हम इसको हिडन को यहाँ से रेज करके देखते हैं कि हमारी फॉर्मेट पर कैसा फेस इंटरफेस शो होता है, ये देख सकते हैं हमारे पास शो तो हो रहा है लेकिन वो बार जो थी हमने पहले बनाई वो बार शो नहीं होगी, तो उसको हम बार को हिडन कर देते हैं। हम इसको सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक बार क्रिएट हो गया। अब उसके आगे डिफरेंस है हमारे पास LI। LI पर हमारे पास जितनी भी हमारे पास लाइन है, होम की, फॉर्म की, गैलरी की, लिस्ट की, ड्रॉप डाउन क्लास या डाउन ड्रॉप जितनी भी है, ये सब हमारे पास जो है उसमें फॉर्मेट क्या है उसका फ्लोट होगा लेफ्ट की तरफ। अगर हम इसको यहाँ से डिलीट करके देखते हैं हमारी कोडिंग का क्या फ़र्क पड़ता है, इसको यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए हमारे पास इन लाइन पर शो नहीं हो रहा, यानी ये फिर डाउनवर्ड शो हो रहा है हमारे पास। हम फ्लोट पर यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद करेंगे हमारे पास LI की जितनी भी कोडिंग है वो फ्लोट हो लेफ्ट पर। लेफ्ट पर करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो कोडिंग है वो स्ट्रेट लाइन पर आ गई, फ्लोट हो गई है लेफ्ट साइड पर। अब उसके बाद है आगे हमारी LI के बाद एंकर टाइप के बाद है आगे ड्रॉप बटन क्लास का नेम। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास LI के बाद एंकर टाइप के अंदर जो हमारे पास है ड्रॉप बटन, हम इसको चेंजिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है डिस्प्ले है इनलाइन ब्लॉक, टेक्स्ट का कलर क्या है हमारे पास वाइट है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट, जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में लिखा जाए, लेफ्ट में लिखा जाए, राइट में लिखा जाए। पैडिंग है हमारे पास 14 पिक्सल, टॉप 16 पिक्सल, लेफ्ट राइट 14 पिक्सल, डाउन एंड 14 पिक्सल अप। टेक्स्ट डेकोरेटेड होता है हमारे पास, ये हमारे पास जो भी टेक्स्ट है उसके नीचे जब हम एक लिंक क्रिएट करते हैं तो उसके नीचे ऑटोमेटिकली एक लाइन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि मैं वहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेटेड नन था, उसको नन को ख़त्म किया है, उसको सेव किया, ये देख सकते हैं हमारे पास ये फॉर्म कैसा बन चुका। इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, सॉरी इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, ये देख सकते हैं हमारे पास ये देख सकते हैं आप। उसके बाद आ गया है LI जो हमारे पास है LI। उसके बाद हमारे पास है एंकर टैब के बाद है A पर जब हम ओवर लेके जाते हैं या अपना माउस का बटन लेके जाते हैं इन बटन के ऊपर, तो वो कैसा इंटरफेस शो करे हमारे पास। जब हम डाउनवर्ड ड्रॉप करते हैं ओवर पर, और जो हमने कॉल, ये हमने क्लासेस कॉल की हुई, जो भी हम इसमें जो भी हम क्लासेस कॉल करेंगे वो हम कॉल करेंगे डॉट बटन से। उसका बैकग्राउंड कलर हो हमारे पास करे, अगर हम इसका कलर स्काई ब्लू कर लेते हैं तो देखते हैं कैसा इंटरफेस होता है। स्काई ब्लू, उसके बाद इसको सेव करते हैं। ऐसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देख सकते हैं हमारे पास ये जो बटन लाइन का कलर चेंज हो गया, ये स्काई ब्लू शुरू हो गए हैं हमारे पास आना। इसको बैक करते हैं ग्रे करने के बाद इसको सेव करते हैं। जैसे ही हम इन बटन्स पर
अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये ग्रे होगा। ये देख सकते हैं ये कर्सर जो है हमारे पास ग्रे होना शुरू हो गया। उसके बाद आगे आ रहा है हमारे पास लाइन ड्रॉप डाउन, जो डिस्प्ले है वो इन लाइन पर होगा हमारी लिंक्स का। जितना भी होगा ड्रॉप डाउन ये लिंक लाइन पर होगा, यानी मेन वाइज ऐसी कॉन्टेक्ट शो होगा। उसके बाद आता है हमारे पास ड्रॉप डाउन कंटेंट। हमने क्लास को कॉल किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये क्लास है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन कंटेंट को हमने यहाँ पर कॉल किया है, ये है हमारे पास वो क्लास जिसको हमने कॉल किया है। अब जो चेंजिंग होगी वो सब इसमें होगी, जो है उसके पास कंटेंट है हमारा डिस्प्ले नॉन हो, पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट, मीन पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट हम नहीं करते। इसको कट करते हैं, सेव करते हैं और देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ये देख सकते हैं कि कुछ अच्छा इंटरफेस हमारे पास शो नहीं हो रहा। ये देखें, हम चाहते हैं कि ये ऐसा इंटरफेस हमारे पास शो ना हो, इसके लिए इसकी पोजीशन हम एब्सोल्यूट करें। इसकी एब्सोल्यूट मीन इसकी पोजीशन को फिक्स भी कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये देख सकते हैं हमारे पास ऐसा इंटरफेस है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं फिर इसको, ये देखें। उसके बाद है हमारा जो कंटेंट है, जो बैकग्राउंड ट्रॉन बटन पे जाता है, ये जो कलर है हमारे पास वो कैसा शो हो रहा है। हम इस कलर को चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद इसको ब्लू कर लेते हैं, ब्लू कलर के देखते हैं कैसा शो होता है हमारे पास। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। हम इसको स्काई ब्लू ही करेंगे क्योंकि इतना शार्प कलर अच्छा नहीं लगता। सेव करेंगे, बात करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देख सकते हैं हमारे पास स्काई ब्लू कलर शो हो रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्रॉप डाउन कंटेंट ए, मीन ड्रॉप डाउन हम इनको कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं एंकर टैग को, देखते हैं उसमें एंकर टैग का जो कलर हो वो हमारे पास हो ब्लैक। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हमें लेगा गवर्नमेंट लिखा हुआ है ये ब्लैक पर लिखा हुआ है। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं और इसका पैडिंग जो है हमारे पास है 12 पिक्सल और 16 पिक्सल। टेक्स्ट डेकोरेटेड नॉन है, डिस्प्ले ब्लॉक है, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, ये जो टेक्स्ट लाइन हो आ रही है लेफ्ट साइड से। इसको हम सेंटर करके देखते हैं, इसको सेव करते हैं। ये अब देख रहे हैं हमारे पास लेफ्ट साइड पे थी, अब इसका रिव्यू करते हैं। ये देखिए हमारे पास जो टैक्स है वो सेंटर पे आ, ड्रॉप डाउन कंटेंट को हमने कॉल किया है क्लास को। उसके बाद जब हम उस पर हॉवर्ड लेके जाएंगे या अपना कर्सर लेके जाएंगे उसका बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा ये वाला। उसके बाद है नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन को हमने कॉल किया है। उसके बाद हमने ड्रॉप डाउन कंटेंट को कॉल किया है, उसका जो बैकग्राउंड जो उसका डिस्प्ले होगा वो होगा ब्लॉक पर। ये थी हमारी मेन्यू बार की सिंपल सी कोडिंग। आज की वीडियो में हमने सीखा हम कैसे अपनी वेबसाइट पर एक अच्छा सा मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं, अब देख रहे हैं हमारे पास ये सेंटर पे शो हुआ हो। अगर हम चाहते हैं ये कंप्लीट शो हो तो हम जैसे कि हमने पीछे रैपर क्रिएट किया था, हम रैपर को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें हमारे पास ऐसा इंटरफेस शो होगा। जैसे आप देख रहे हैं पिज़्ज़ा हट की भी वेबसाइट है, उनका जितना भी मेन कॉन्टैक्ट है उनकी वेबसाइट का वो टोटल सेंटर पे है। सेंटर पे अच्छा इंटरफेस शो होता है, इसलिए हम भी अपनी वीडियो को या अपनी वेबसाइट को सेंटर पे ही रखेंगे। आपकी मर्जी, आप इसको सेंटर में नहीं रख सकते। इसको हम सेव करेंगे, ये देखिए हमारे पास मेन कॉन्टैक्ट आ गया।